तुम भी ना कमाल करते हो कभी कभी, दिमाग से सोचते नहीं। अब ये क्या बचपना है हा? You can't behave like this. दीदी गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो, रोज रोज के झगड़े, मैं इस तरह से नहीं रह सकता। क्या बात है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, कल तक आप और संजना एक दूसरे को लैला मजनू की तरह, श्री फरहाद की तरह बेइंतहा प्यार करते, अब क्या हो गया? पता नहीं जीजा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी बात पे झगड़ा शुरू कर देती है। मगर विक्रम ये कब तक चलेगा? हर तीसरे दिन तुम झगड़ कर यहाँ आके बैठ जाते। अच्छा चलो अब शांत हो जा और जाके संजना से सुलह कर। देखो दीदी सुलह की बात मत करो, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं यहाँ से चला जाता। विक्रम विक्रम ठीक है, खूब तुम्हारी दीदी कहने का मतलब वो नहीं है। देखिए जीजा जी मुझे सब पता है दीदी का मतलब क्या है। मैम साहब फोन, मैम साहब आपका फोन। हेलो। हेलो नलिनी। हाँ संजना, विक्रम है वहाँ पर, उसको फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट मैं जरा पूछती हूँ उससे। नहीं दीदी मुझे कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी संजना, लेकिन विक्रम तुमसे बात नहीं करना चाहता। वैसे मैं भी उससे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, पर मैं उसे सिर्फ कुछ बताना चाहती हूँ। आप प्लीज स्पीकर फोन ऑन कर देंगी? ठीक है। हाँ संजना स्पीकर फोन ऑन है, विक्रम पास में ही है। विक्रम मैं तुम्हें एक न्यूज देना चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्त ने जो मूर्ति दी थी उस मूर्ति के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। संजना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस हो गई। वो मूर्ति तुमने तोड़ी क्यों? लेकिन ऐसी बदसूरत मूर्ति के साथ और किया भी क्या जा सकता है? लेकिन मुझे वो मूर्ति मेरे दोस्त ने दी थी। आप अपनी बहन के घर में थे जब ये फोन हुआ? जी वहीं पे फोन आया और अचानक चिल्लाने की आवाज आई और संजना ने कहा कि ये मूर्ति उसकी तरफ चल के आ रही है। एक मूर्ति चल के आ रही है ऐसे ही कहा था और इस मूर्ति ने फोन कर दिया। हम सब ने हमारा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? किस बात? इस मूर्ति की वजह से। ये सब क्या है विक्रम? तुमको पता है ना कि डॉक्टर छुट्टी पर गया हुआ है, अभी अभी पूरे घर की सफाई करके गई हूँ मैं, और ये कहाँ से उठा के लेकर आए हो इसे? उठा करके नहीं लाया हूँ बाबा, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? हाँ खुद ही देख लो। वाह, हाँ लुक एट दिस,
ये गिफ्ट कैसा गिफ्ट है ये, और किसका दिमाग खराब हो गया था जो इतना घटिया सा गिफ्ट दिया तुम्हें। वैसे ऐसी बेवकूफी सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है रमन। विक्रम, जितनी जल्दी हो सके प्लीज इस स्टैचू को इस घर से बाहर निकालो। देखो संजना, ये घर मेरा भी, और बाय द वे तुम्हें रमन से प्रॉब्लम क्या है? मुझे इस इंसान की शक्ल अच्छी नहीं लगती है बस। अरे यार, शक्ल से क्या लेना देना। जो भी है विक्रम, प्लीज इस स्टैचू को जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकाल दो। या तो ये स्टैचू इस घर में रहेगा या फिर मैं। यार फिर से वही झगड़ा। देखो, रमन ने ये गिफ्ट मुझे मेरी एनिवर्सरी पर दिया, और ये गिफ्ट यहीं रहेगा। तुम्हें जाना तो जाओ। जाना है तो जाओ, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। Do you understand this? मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं करना था, इसलिए मैं गुस्से में नरीनी के यहाँ चला आया। जब भी इन दोनों में झगड़ा होता था तो ये हमारे घर आ जाता था। जब आपने चीख सुनी तो आपको लगा कि कोई घर में घुसा है? मेरी बात पे विश्वास कीजिए सर, संजना ने ये कहा ही नहीं कि वहां पर कोई आदमी मौजूद है। वो तो बार बार यही कह रही थी कि वो जो वहां पर मूर्ति है वो उसके तरफ आ रही है। फिर वही मूर्ति। अभिजीत, घर के दरवाजे खिड़कियां सब अंदर से बंद है, कोई कांच वाच टूटा हुआ नहीं है, घर के अंदर कोई नहीं आया। सुना आपने, अगर घर के अंदर कोई नहीं आया तो फिर संजना का खून किसने किया? वो मूर्ति, संजना ने उस मूर्ति को तोड़ दिया था शायद। आजकल के जमाने में ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग हैं? अगर कोई ये कहे कि उसने आसमान में फ्लाइंग सॉसर को उड़ते हुए देखा तो मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। पर अगर कोई ये बोले कि हैरी पॉटर एक झाड़ू के ऊपर बैठ के आसमान में उड़ता है तो कोई कैसे विश्वास करेगा? पर सर, पर उसने कहा था कि मूर्ति उसकी तरफ बढ़ रही है। ये मूर्ति आप लाए कहां से थे? जी, मेरे दोस्त ने दी थी। कौन दोस्त? रमन। रमन, होश में आने से पहले निकल जाते हैं। रमन, 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 क्या हुआ? मर गया। रमन, क्या हुआ? वो चोर उस तरफ कहीं भागा। क्या? संभालो, इसको मैं देखता हूँ। कितने लोग थे? हाँ? मैंने ठीक से देखा नहीं। मेरे ख्याल से दो लोग थे, बहुत कस के सर पे मार दिया मेरे। वो कर क्या रहे थे? वो मूर्ति चुरा के ले गए। उसमें से एक ने कहा है कि चटोरे जल्दी चल। चटोरा? तो एक का नाम चटोरा है, वो मूर्ति कैसे? मूर्ति के हाथ में तलवार थी और उसके सर पे स्टील की टोपी थी। वैसी मूर्ति जैसे तुमने विक्रम को दी थी? हाँ, मैंने दो खरीदी थी, एक मैंने विक्रम को दे दी थी और एक मैंने अपने पास रखी थी। ये हो क्या रहा है? पहला आदमी मूर्ति की वजह से मारा गया, दूसरे आदमी के घर से मूर्ति चोरी हो गई। क्या, ये क्या कह रहे विक्रम? ये क्या हो रहा है विक्रम? संजना की मौत हो गई। क्या, किसने मारा? मूर्ति ने। ये बताइए, आप ये मूर्तियां लाए कहां से थे? पता तो चले इन मूर्तियों में ऐसा है क्या। आइए सर। बोलिए। जरा इसे देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है सर, हमारी दुकान में रखी थी। ये मूर्तियां जब यहां पे थी तब क्या कोई अजीब हादसा हुआ था यहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन अचानक आप लोग इन मूर्तियों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इन मूर्तियों ने शहर में दो लोगों पे हमला किया है और एक औरत की तो जान ही चली गई है। इन मूर्तियों ने हमला किया? हाँ, जिस जिसने ये मूर्तियां खरीदी थी उन पर हमला हुआ है। क्या? जी हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? भगवान करे जिन दूसरे लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी हैं वो ठीक ठाक हों। दूसरे लोग? और किसके पास है ये मूर्ति? सर, मेरे पास 6 मूर्तियां थी, एक एक करके मैंने सारी बेच दी। मतलब और भी लोगों की जान को खतरा है? आपके पास कोई रजिस्टर होगा ना जिसमें लिखा होगा कि किस किस को बेची है मूर्तियां? पता नहीं कहां चली गई, यही तो रखी थी। क्या हुआ? सर, वो रजिस्टर नहीं मिल रही है। कहां गया? सर, पता नहीं कहां चली गई। यहां लोगों की जान को खतरा है और तुमने रजिस्टर खो दिया, अब कैसे ढूंढेंगे उन लोगों को? नाइला राजाध्यक्ष, नाइला राजाध्यक्ष, अच्छा नाम है। MBBS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2 साल फिलाडेल्फिया में क्राइम यूनिट के साथ में। क्वाइट गुड। जब आप अमेरिका में फोरेंसिक में काम कर रही थी तो फिर इंडिया वापस क्यों आई? सर, मेरी यहाँ शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी? मतलब हुई नहीं? सर, वो भाग गया। बेवकूफ था। क्यों? क्यों भाग गया? सर, जब उसे पता चला कि मैं लाशों को काटती हूँ, दिन रात मुर्दों से बातें करती हूँ, तो वो कांपने लगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। हमें काफी अफसोस है इस बात का। इट्स ओके, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एनीवे, वेलकम टू CID। थैंक्स सर। जैसे मैंने ज्वाइन किया, ये पहला केस, एक मूर्ति ने एक औरत का खून कर दिया। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और यहाँ फोरेंसिक लैब में खड़ी होकर कह रही हो कि एक मूर्ति ने खून किया है? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस लाश के सर के पीछे यहाँ जो घाव है वो इससे बिल्कुल मिलता है, इसी से बना है ये घाव। देखिए, इस पे भी खून और बाल हैं। इसका मतलब साफ है, किसी ने इसके सिर पर ये तलवार मारी है। सर, पर हमें इस तलवार के ऊपर से और इस मूर्ति के ऊपर से भी उंगलियों के निशान मिले हैं। और ये निशान इन्हीं के हैं। What? इस लड़की ने अपने ही सिर पर ये तलवार मारी? मगर सर, जब इनका खून हुआ तो ये घर में अकेली थी और घर के सारे दरवाजे खिड़की अंदर से बंद थी। सर, दया, इस लड़की के सिर में पीछे चोट लगी है, घाव पीछे है। और कोई भी आदमी अपने आप को इस तरह पीछे से नहीं मार सकता। करेक्ट। तुम्हारी हमारी दोस्ती जमेगी। Nice to hear that. मैंने तो सुना था कि आप जरा क्रैक है। ठीक सुना है तुमने, एकदम सही सुना है। Excuse me. Hello. CID इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या एक और खून? बिल्कुल पहले वाली की। पहुंच गए? ओके 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 सर, रिपोर्टर पहुंच गए हमारे से पहले। हमारे से पहले? सर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मूर्तियां खून कर रही है? प्लीज सर, आप और आगे कुछ बताएंगे? सर बकवास। सर, तो फिर मरने से पहले उन्होंने फोन करके ये क्यों कहा कि मूर्ति उनकी तरफ आ रही है? वही पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा। अब तो हटिए, पहले देखने तो दीजिए, फिर बाद में बता दें प्लीज। ले जाओ। इस तलवार पर भी वैसे ही खून के दाग हैं। <दादी। laughs>
रिश्तेदार था ये। मुझे मुझे माफ कर दो साहब। क्यों, तुमने क्या किया है? साहब, चटोरा की मौत मेरी वजह से हुई है। कैसे? हम दोनों ने चोरी की थी। अच्छा, तुम एक चोर? चोरी कहाँ? साहब, वो जॉगस पार्क के बंगले में। कहीं वही तो नहीं है रमन का घर? हाँ साहब, वहां घर में जैसे ही हमने इस मूर्ति को उठाया, वो रमन नींद से जाग गया और हमें पकड़ना भी चाहा। तभी चटोरे ने उसके सर पे जोर से मारा और वो बेहोश हो गया। फिर हम लोग भाग आए इस मूर्ति को लेकर। फिर क्या? फिर चटोरा कहने लगा, अगर ये मूर्ति टूट गई तो हम लोग मर जाएंगे, इसे संभाल के रख। और फिर वैसा ही हुआ, ये मूर्ति टूट गई और चटोरा मर गया। तुमने देखा है अपनी आंखों से मूर्ति को चटोरे को मारते हुए? देखा है तुमने? नहीं साहब, मैं तो बाहर गया था, वापस आकर देखा तो वो मरा पड़ा था। बकवास कर रहा है। आइए आइए, इस तरफ आइए आइए आइए। देखिए, मुझे मत देखो, इस लाश को देखो। यही वो चोर है जो उस रात मेरे घर में आया था। मगर ये मरा कैसे? यही तो पता लगा रहे हैं कि ये मरा कैसे। वैसे आप ये मूर्ति के टुकड़ों को पहचानते हैं? देखिए, लगता है ये उसी मूर्ति के टुकड़े जो मैं खरीद के लाया था। आपको पूरा यकीन है? हाँ सर, ये वही मूर्ति है जो मैं खरीद के लाया था, एक अपने लिए और एक विक्रम के लिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। फ्रेडरिक्स आइए। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? दो मर्डर्स हुए हैं, दोनों मर्डर्स एक ही तरह से किए गए हैं और दोनों के पास ये टूटी हुई मूर्तियां मिली। सर मुझे लगता है कि इस मूर्ति में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर जो भी कोई ये मूर्ति तोड़ता है वही मारा जाता है। नहीं सर, जो कोई भी ये खून कर रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक मूर्ति का काम है। एक बात और है, ये आदमी एक चोर था और वो संजना एक हाउसवाइफ, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी दोनों खून एक जैसे क्यों? कनेक्शन है अभी, कनेक्शन है। ये मूर्ति। नमस्कार, आप फिलहाल देख रहे हैं फास्ट न्यूज और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है विश्वास या अंधविश्वास। आजकल शहर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, कभी मूर्तियां दूध पीने लगती हैं, कभी समंदर का पानी मीठा हो जाता है, और अब एक और धमाका, मूर्तियां खून कर रही हैं। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मूर्तियां किसी का खून भी कर सकती हैं? CID भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि खून कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं। और चार लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी हैं, क्या उनकी जान को खतरा है? क्या मूर्तियां वाकई में श्रापित हैं? हम वापस लौटेंगे
एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये मूर्ति, ये तो वही मूर्ति है। ओह माय गॉड। सर ये जो चोर है चटोरा और इस संजना में एक ही कनेक्शन है, वही मूर्ति बस। हाँ ठीक है। हाँ बाबा यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं। यार मैं अभी ऑफिस में हूँ, बहुत जरूरी केस चल रहा है, मेरे बिना यहाँ पे कोई काम नहीं चलता है, क्या करूँ। ओके सी यू। आई एम सॉरी सर। क्या बात है फ्रेडरिक्स, नया फोन है? सर ये मुझे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? तुम्हारा बर्थडे तो पिछले महीने निकल गया ना फ्रेडरिक। सर मैं और मेरी वाइफ 10 साल पहले मिले थे, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पे। मीटिंग एनिवर्सरी, लव अफेयर है। फ्रेडरिक्स वैसे कितने साल के हो? सर यही कोई 26-27। मतलब जब तुम भाभी से मिले थे तो 15-16 साल के रहे होगे तुम ना? नहीं नहीं 12-14 साल के थे। फ्रेडरिक्स तुम कभी नहीं सुधरोगे। सर जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म कैसिनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड ने यही फोन इस्तेमाल किया था सर। सर अपना फ्रेडरिक्स भी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। सर मैंने अभी भी न्यूज में देखा सर। लेकिन तुम ऐसे दौड़ते क्यों आ रहे हो? सर एक न्यूज चैनल हमारे इस केस के बारे में बात कर रहा है सर, उन्होंने एक पूरा न्यूज बुलेटिन मूर्तियों की खून पर बनाया है सर। वो बता रहे थे कि अलका नाम की औरत के पास एक मूर्ति है सर, बिल्कुल वैसी ही। कौन? अलका नाम की एक औरत के पास बिल्कुल वैसी ही मूर्ति? मतलब अलका की जान को खतरा हो सकता है? सर चैनल में फोन करके इस अलका का एड्रेस लेते हैं। कुछ और होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हमें पता चला है कि आपके पास भी मूर्ति है वैसे ही। जी हाँ मैंने भी टीवी पे देखा है, मेरी वाइफ ने चैनल वाले को फोन भी किया था। तो आप यहाँ बाहर क्यों खड़े? समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वाइफ मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रही है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। तो आपके पास घर की चाबी तो होगी ना? ओह यस। अलका! माय गॉड! ये क्या हो गया अलका? एक मिनट प्लीज हाथ मत लगाइए, जाके फिंगरप्रिंट्स फोटोग्राफ्स और इस रूम का कोना कोना अच्छी तरह से चेक करो, खून का मामला है। फिर वही मूर्ति। सर क्या इस मूर्ति ने मेरी अलका को मारा है सर? नहीं, ये बेजान मूर्ति किसी की जान नहीं ले सकती, किसी और का काम है। प्रेडिक्स सर जरा आइए प्लीज, कम प्लीज आइए। एसीपी झूठ बोल रहे हैं आप? ओ हो हो, जे जे स्वामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये कहकर कि ये काम किसी इंसान का है। अच्छा तो फिर बताइए और किसने किया ये? मूर्तियों ने, और किसने? एसीपी ये मूर्तियां शापित हैं और जो भी व्यक्ति इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा इस मूर्ति की तलवार उसे मौत के घाट उतार देगी निश्चित ही। और मैं इन मूर्तियों को शाप मुक्त करने आया। महाराज आपका प्रवचन हमने सुन लिया, अब आपकी ये मूर्तियों के श्राप की कथा कहीं और ले जाए तो बेहतर है। वरना वरना अरेस्ट हो जाओगे। किस जुर्म में? अंधश्रद्धा फैलाने के जुर्म में। संभव। स्वामी जी एक बात कहूं कान में? हाँ बोलो। इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा ना डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चना कर भस्म कर दूंगा तुम्हें।
बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स आते हैं मेरे पास जब उनसे कोई केस सॉल्व नहीं होता। फ्रेडरिक्स, मुस्कान को कहो कि एम्बुलेंस भेज दे और स्वामी जी को बाहर का दरवाजा दिखाओ। अभी तो मैं जा रहा हूं एसीपी, परंतु तुम्हारा ये कमेंट इस शहर के लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखो। चलो दया, जाकर ढूंढो ये मूर्तियां किसने बनाई थी। ऐसा क्या है उन मूर्तियों में जो खूनी ढूंढ रहा है? हमें पता लगाना ही होगा क्या है वो। फ्रेडरिक्स, एड्रेस सही है ना? जी हाँ सर, उस मूर्ति के दुकान वाले ने तो हमें यही एड्रेस दिया था। पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। लगता है बहुत दिनों से दुकान खुली नहीं है। इस दुकान वाले से पूछो। सुनिए भाई साहब, यहाँ प्रसन्नजीत की दुकान हुआ करती थी ना? प्रसन्नजीत? हाँ, वही जो मूर्तियां बनाता है। हाँ हाँ हाँ, पर साहब वो तो कब का ये दुकान बंद करके यहाँ से चला गया है। चला गया? कहाँ? पता नहीं साहब, पर 3 साल पहले वो ये शॉप बंद करके चला गया। 3 साल पहले? क्यों? कह रहा था कि उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। पर वो गया कहाँ? पता नहीं साहब, कह रहा था कि कुछ नया धंधा शुरू करेगा। अच्छा, उसका कोई एड्रेस है आपके पास? जी, अब वो पार्क रोड पे रहता है। सुनो। जी कहिए सर। मिस्टर प्रसन्नजीत घर पर है, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा, सीआईडी? साहब घर पे ही है, आइए। आइए सर। सर, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए। सीआईडी? आइए सर, आइए प्लीज। नो थैंक यू, मैं एसीपी प्रद्युमन। जी सर कहिए, मुझसे क्या काम आन पड़ा? इसे पहचानते हैं? अरे ये तो मेरी बनाई हुई मूर्ति है, भला इसे कैसे नहीं पहचानूंगा। इसका नाम मैंने समुराई रखा था। आपके समुराई ने शहर में हंगामा मचा रखा है। इस मूर्ति ने हंगामा? आप टीवी वगैरह नहीं देखते क्या? न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। एक्चुअली सर, मैं आज ही रोम से वापस लौटा हूँ, तो शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सामुराई जिस जिस के पास गया है वो मारा गया है। क्या? जी हाँ, 3 लोग मर चुके हैं। 3 लोग मर चुके हैं? हाँ। मेरी मूर्तियां आदमी को मार सकती हैं? मार तो नहीं सकती है, पर जिसके भी पास ही गई थी और जिसके हाथों से टूटी है वो मारा गया है। इसका राज क्या है? क्या है साहब, क्या मालूम? मूर्तियां तुमने बनाई है, तुम्हें मालूम होना चाहिए इन मूर्तियों की वजह से खून क्यों हो रहे हैं। साहब मूर्ति तो मिट्टी की बनी है। अच्छा, क्या है मिट्टी में? मिट्टी में मिट्टी है सर। आओ जी। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अभिजीत का फोन था, वो दोनों मूर्तियां मिल गई। दोनों मूर्तियों के मालिक मूर्तियों को जे स्वामी के पास लेके गए। जेजे स्वामी के पास? किस लिए? बेचने के लिए? नहीं, मूर्तियों को श्राप लगाया उसे उतारने के लिए। सर टीवी पे सबके सामने स्वामी जी सब करने वाले हैं। ये भगवान, ये हो क्या रहा है? दया, सर स्टूडियो चलते हैं, आज इस स्वामी जी का श्राप मैं उतार के रहूंगा। स्वामी जी, आपने उन दोनों मूर्तियों को एक साथ उस कमरे में रखा हुआ है। जी। आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं? जी, मैं उन दोनों शापित मूर्तियों को शाप मुक्त करने वाला हूँ। और ये सब आप हमारे कैमरे के सामने करेंगे? ये काम कैमरे के सामने नहीं हो सकता, ये बड़ी ही खतरनाक क्रिया है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा कवच के इसको देख भी लेगा तो नष्ट हो जाएगा।
अच्छा स्वामी जी, फिलहाल मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पहन रखा है, क्या आपने सुरक्षा कवच पहना है? नहीं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हम स्वामी हैं और ईश्वर की हम पर बड़ी कृपा है। स्वामी जी, फिर भी थोड़ा तो खतरा है। देखिए, इस शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये खतरा तो मुझे उठाना ही होगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं उस मूर्तियों वाले कमरे में प्रवेश करता हूं, मुझे इजाजत दें। अरे हाँ, सुनो बेटी, अब मैं अंदर जा रहा हूं मूर्तियों के पास, कृपा करके किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि यदि मेरी पूजा भंग हो गई तो सभी का बहुत नुकसान हो जाएगा। जी स्वामी जी, ऐसा ही होगा, हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे। स्वामी जी ने हम सबके लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। मैं तृप्ति आप सबको ये लाइव दिखा रही हूँ, ओनली ऑन फास्ट न्यूज। कहाँ है वो जीजा स्वामी? बंद करो ये फ्रॉड। सर, सर आप क्या कर रहे हैं? बंद करो, चलिए आप बोलिए। ये है कहाँ? ये चोंगी बाबा कहाँ है? सर आप इस तरह से हमारे प्रोग्राम बीच में रोक नहीं सकते सर। मगर है कहाँ वो जीजा स्वामी? सर ये प्रोग्राम लाइव है सर। कहाँ ये स्वामी जी? सर प्लीज सर, आप इस तरह से नहीं जा सकते सर। सर इस समय वो मूर्तियों का दोष मुक्त कर रहे हैं। खोलो। आप लोग देख रहे हैं इस समय जैसा कि सीआईडी के ऑफिसर्स हमारे प्रोग्राम बीच में रोकने आए हैं। सर आप ये, सर ये आप नहीं कर सकते। कैसा? एक और मौत। समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। कमरे में और कोई नहीं था, अकेला ही तो था ये वहां पे। अकेला भी सिर्फ 5-6 मिनट के लिए था, 5-6 मिनट में ही मारा गया। और सर बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। वही तो फिर इसका खून किया किसने? सर खून किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया? अब ये मत कहना कि उस मूर्ति ने इसका खून किया है। नहीं सर, ये खून वाकई में ही नहीं हुआ। जय स्वामी हार्ट अटैक से मारा था, मैसिव कार्डियक अरेस्ट। Are you sure? 100%। तो फिर वो सर के ऊपर जो खून के निशान है वो? हार्ट अटैक के बाद वो जमीन पर गिरे होंगे, शायद सर पर चोट लग गई। तो ये मूर्तियां कैसे टूटी? क्या ये मूर्तियों के ऊपर गिर पड़ा था? नहीं, जे स्वामी ने मूर्तियों को तोड़ा है, शायद वो मूर्तियों में कुछ ढूंढ रहे थे। ये देखिए। इनके नाखूनों में मिट्टी है। इसका मतलब है जब जे स्वामी को वो चीज नहीं मिली जो ढूंढ रहा था, तब इसे हार्ट अटैक आया। सर इस मूर्ति में ऐसा था? मूर्ति जे स्वामी, समझ में नहीं आया। इस जे स्वामी की हिस्ट्री निकालो। ये जे स्वामी कोई स्वामी वामी नहीं था सर, ये पूरा लंगूर के धूम था सर, ये देखिए। इतना था? हाँ सर, इस स्वामी जी को सरकार ने जेल में प्रवचन करने का मौका दिया था सर। फिर तो चांदी हो गई होगी स्वामी जी की, इतना बड़ा सम्मान। हाँ, फ्रॉड और पब्लिक को चूना लगाने के जुर्म में 6 महीने तक जेल में था ये। 6 महीने में तो स्वामी जी ने सबको सीधा कर दिया होगा। सर जिस दिन ये स्वामी जी जेल से निकला उस दिन अपने साथ ये और एक आदमी को भी लेके आया, वो आदमी भी उसी दिन जेल से छूटा जिस दिन ये स्वामी बाहर निकला। अच्छा, कौन है वो? आप उसे जानते हैं सर, ये देखिए। रमन? रमन जेल में था स्वामी जी के साथ में? सर ये कहानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है कि दिमाग का हलवा बन गया है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वैसे दया, ये रमन जेल में गया क्यों था? सर ये रमन एक चोर है, इसने हीरों की चोरी की थी। हीरों की चोरी? एक मिनट, कहीं ये वही चोरी तो नहीं है जो 3 साल पहले हुई थी, 20 करोड़ के हीरे लूटे गए थे? You're right, अभिजीत, ये वही है। ये रमन तो पकड़ा गया सर, पर वो हीरे अभी तक नहीं मिले। दया, वो हीरे इसलिए नहीं मिले क्योंकि पकड़े जाने से पहले रमन ने उन हीरों को प्रसंजीत की दुकान की इन्हीं मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति में वो छुपा के रखे। और रमन जब जेल से छूटा तो उसे पता चला कि 3 मूर्तियां तो बेची जा चुकी हैं। अब बाकी मूर्तियां बाहर निकाले कैसे? तो शहर में फैला दिया कि मूर्तियां श्रापित, ताकि लोग डर के मारे अपनी अपनी मूर्तियां वापस लौटा दें।
मगर किसी भी मूर्ति में एक भी हीरा नहीं मिला। सर अब तो बस एक ही मूर्ति बची है, हीरे उसी मूर्ति में होंगे। अब तुम्हें क्या हो गया? सर वो आखिरी मूर्ति मिल गई है। मिल गई है? कहाँ है वो? रमन, रमन इतनी खूबसूरत मूर्ति क्यों तोड़ रहे? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग हम लोग अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे इतने सारे हीरे चुराए हैं तुमने, उनमें से कुछ हमें भी दे दो। हैं? ये क्या जबरदस्ती है? किस हीरे की बात कर रहे हैं आप लोग? वही जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो और जिसके लिए तुम एक के बाद एक मूर्तियां तोड़ते जा रहे हो। पहले अपने दोस्त की बीवी, फिर चटोरा और अब अलका, तीन तीन लोगों का खून किया है तुमने, समझे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास नहीं है, सच है, तुम एक खूनी हो। जे स्वामी ने कहा कि कोई तरीका ढूंढेगा, सब मूर्तियों को ढूंढेगा। 20 करोड़ के हीरे का सवाल था, मुझे खोज करना ही पड़े वरना सबको पता चल जाता। वो हीरे कहाँ है? पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिले। अगर हीरे इसमें नहीं है तो फिर हीरे गए कहाँ? अब मेरी समझ में आ गया है कि हीरे कहाँ है। सर ब्रेकफास्ट गार्डन में लगा दिया है। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? आप लोग मेरे घर में मेरे टेबल पे क्या कर रहे हैं? ये जैम बहुत अच्छा है आपका, आप लेंगे सर? सर चीज भी है, सर चाय तो चीज भी खा सकते हैं। सर इन सबके साथ गरम गरम चाय कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, चाय के बगैर ब्रेकफास्ट अधूरा होता है। सबके लिए चाय, सिर्फ मेरी चाय में एक चम्मच शक्कर। श्योर। आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे ही बुला लेता आप लोगों को। ये बिन बुलाए मेहमानों की तरह आप लोग चले आए यहाँ। डायमंड्स का? डायमंड्स? हीरे कहाँ है वो? कुछ बचे भी है या सारे बेच दिए? संजीत, जब तुम मूर्तियां बना रहे थे तब अचानक तुम्हें एक मूर्ति में डायमंड्स दिखाई दिए और तुमने वो ले लिए। मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मूर्ति में हीरे छुपा के रमन तो जेल चला गया और तुमने मूर्ति बनाने का बिजनेस बंद कर दिया, यहाँ आके रहने लगे। क्या बात कर रहे हो अभिजीत, तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तुम काम करोगे अगर तुम्हें 20 करोड़ के हीरे मिल जाए तो? हाँ, ऐसा एक बड़ा बंगला खरीदोगे और ऐश करोगे? हाँ, मगर प्रसन्न जी तो जेल जाएंगे, चुराए हुए सब हीरे इन्होंने खा लिए। सॉरी सर, सर मैं खाना खा के कम से कम डकार तो ले रहा हूँ, ये तो सारे हीरे चुपचाप खा गए। हाँ, मगर अब प्रसन्न जी को भी थकार आएगी, लेकिन जेल जाने के बाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।